Hello, my dear friends. Welcome to Acharya's Academy. Myself, Ravi Bhosle. I am here to teach you algebra. Okay? So, हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था क्रैमर्स रूल. That is also called as determinant method. Okay? तो पिछले इसमें हमने कुछ बेसिक्स देखा था उसका. मतलब हम कैसे उसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Okay? हम उसमें कैसे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. उसमें फॉर्मूलाज कौन से हैं. ठीक है ना? तो उसमें फॉर्मूलाज कौन से थे बच्चों? डी का फॉर्मूला था. फिर कौन सा फॉर्मूला था? dx का फॉर्मूला था. फिर था dy का फॉर्मूला. ठीक है ना? फिर वो dx और dy की वैल्यू यूज करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ठीक है ना? अब इसमें हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है? सो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3. ओके? तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके? तो उसमें जो दिया है आपको, दिस इज व्हाट डिटरमिनेंट दिया है. ठीक है ना? तो ये आपको सॉल्व करना है. इसे क्या कहते हैं? हम डिटरमिनेंट कहते हैं. ठीक है? तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? ये जो 3 है, 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को पहले. ठीक है ना? और फिर माइनस का साइन लेते हैं बीच में, निगेटिव का साइन लेते हैं. और फिर क्या करते हैं? ये जो 4 है, 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करते हैं. ठीक है ना? ओके? तो यहाँ पे जो है 3 × 5 रहेगा, तो ये ब्लैंक है यहाँ पे. तो 3 × यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा. ठीक है ना? और फिर बाद में निगेटिव साइन है. ये निगेटिव साइन कंपलसरी रहेगा. ठीक है? ये निगेटिव साइन कंपलसरी रहेगा. अगर इसमें कुछ निगेटिव साइन है तो वो आपको सेपरेट अलग लिखना पड़ेगा निगेटिव साइन. ठीक है? फिर बाद में निगेटिव साइन देने के बाद ये 4 × 2 है. तो इन्होंने क्या किया कि 2 पहले ले लिया. ठीक है ना? 3 × 5 कर दिया और फिर बाद में −2 × 4 किया. ठीक है ना? यहाँ पे 2 आएगा. ठीक है? 3 × 5 − −2 × 4. ओके? तो यहाँ पे जो है 3 × 5 क्या आएगा बच्चों? इस बॉक्स में 5 × 3 = 15 आएगा. 5 × 3 = 15 आएगा. और फिर बाद में ये जो दोनों का, ये 4 × 2 = 8 यहाँ पे है ऑलरेडी. ठीक है? फिर ये 15 − 8 क्या होगा? 15 − 8 = 7 होगा. ठीक है? तो ये पॉजिटिव 7 आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है बच्चों? अब देखते हैं, आपको समझ में आया ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है. ठीक है ना? अभी ये जो डिटरमिनेंट है, हमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें हमें हर एग्जाम्पल में ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि डी की जो वैल्यू है वो हमें डिटरमिनेंट से ही मिलती है. डी डी एक्स और डी वाई की वैल्यू. ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स. फिर से यहाँ पे क्या करना है? वही करना है हमें. ठीक है ना? तो यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया है −1, 7, 2 और 4. ठीक है? तो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले तो −1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ. −1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ. ठीक है? तो यहाँ पे मैं करता हूं अभी −1 × 4 और फिर बाद में निगेटिव साइन देना पड़ेगा, कंपलसरी है निगेटिव साइन. ठीक है? फिर बाद में एक आप 7 × 2 करो, नहीं तो 2 × 7 करो, कुछ भी चलेगा. ठीक है ना? तो 7 × 2 दैट इज 7 × 2. ठीक है? अगर निगेटिव साइन है तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. ठीक है ना? तो फिर बाद में 4 × −1 क्या होगा बच्चे? 4 × −1 −4 होगा. 4 × −1 −4 होगा क्योंकि +× −−. ठीक है? अगर दोनों तरफ माइनस माइनस है तो −× − +, पर यहां पे क्या है? एक ही माइनस है. सो −× + − होगा मल्टीप्लीकेशन में. फिर ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन है एज इट इज, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि यहां पे कोई अलग माइनस नहीं है. तो मैं निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है. यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे जो है निगेटिव साइन एज इट इज रख दिया मैंने और 7 × 2 क्या होगा? 14 होगा. ठीक है? 7 × 2 = 14 एंड देन दिस −4 − 14. तो ये क्या होगा? माइनस माइनस, मैंने बताया था कल आपको, निगेटिव निगेटिव जब साइन रहेंगे तब क्या करनी पड़ती है? एडिशन करनी पड़ती है. तो ये 14 + 4 क्या होगा? 18 होगा. ठीक है? फिर ये निगेटिव साइन हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी क्योंकि बड़े नंबर की साइन क्या है यहाँ पे? निगेटिव साइन है. ठीक है? अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं. और दोनों भी अगर माइनस माइनस है तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं और निगेटिव के साइन देते हैं. ठीक है बच्चों?
अभी ये हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या देख रखा है, 5, 3, -7 and 0। तो हमें क्या करना है, फिर से 5 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। सो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 0 के साथ, फिर नेगेटिव साइन लेना है कंपलसरी, ठीक है। फिर 3 into -7, 5 into 0 -3 into -7, 3 into -7 है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, -7 है तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। फिर बाद में ये क्या होगा, 5 into 0 क्या होगा बच्चों, 5 into 0 विल बी 0। कौन सा भी नंबर अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। और ये क्या आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। ये निगेटिव है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये जो है निगेटिव 7 का जो माइनस साइन है, और निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये 7 3 21 होगा, 7 3 क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। फिर ये 0 + 21 ये क्या होगा, 0 के साथ कोई भी नंबर अगर ऐड कर दे तो क्या आता है, वही नंबर आता है सेम। सो यहाँ पे क्या आया, 21 इज आवर आंसर, यहाँ पे -18। तो ऐसे इस तरह से आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें दो इक्वेशन देके रखे होंगे, ठीक है। तो उन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, उसमें से पहले तो ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। मतलब पहले इक्वेशन की जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, a1 b1 c1, और दूसरे इक्वेशन की a2 b2 c2। पर उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो इक्वेशंस ax + by = c के फॉर्म में है या नहीं वो देखना पड़ेगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन जो देके रखी है हमें, तो वो 3x - 4y = 10। तो यहां पे जो ये इक्वेशन है वो मुझे तो लगता है वो ax + by = c के फॉर्म में है, क्योंकि यहां पे देखो ये जो है ये x का मतलब x की जगह पे है, ये by की जगह पे है, और इक्वल टू ये c की जगह पे है 10। 10 मतलब क्या, ये c मतलब कांस्टेंट, ठीक है। ये भी इक्वेशन क्या है, ax + by = c के फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। अगर नहीं है तो हमें वो लिखनी पड़ेगी बच्चा, ठीक है ना। अगर ये 10 अगर इधर दिया उन्होंने प्लस में, तो उधर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इधर प्लस में है तो उधर जाके वो माइनस में हो जाएगा। अभी सेकंड जो एग्जांपल है हमारा, तो सेकंड एग्जांपल में वैसा है, ठीक है ना। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों, जो फर्स्ट इक्वेशन देके रखी है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3x - 5y = 10, देन 4x + 3y = 5, ठीक है। अब यहां पे कंपेयरिंग विथ x + by = c, कंपेयरिंग विथ x + by = c, तो यहां पे जो ये है ये a क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए ले रहे हैं यहां पे, ठीक है। ये रहेगा फर्स्ट इक्वेशन के, a1 की वैल्यू क्या है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में, 3 है। b1 क्या रहेगा यहां पे, 4 है, तो यहां पे क्या नेगेटिव की साइन है बच्चों, तो ये क्या आएगा -4। बी क्या मिल गया, b1 क्या मिल गया, -4। फिर c1 की वैल्यू क्या आएगी, c1 क्या है यहां पे, +10 है, ठीक है ना। जो भी उसको साइन है वो वहां पे एज इट इज हमें लेनी है, ठीक है। तो +10 मिल गया c1। अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो यहां पे a2 रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, a2 रहेगा। तो a2 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पे 4 है। b2 की वैल्यू क्या है, 3 है, यहां पे +3 है, क्या है, +3 है, ठीक है। तो +3 एज इट इज आएगा +3, ठीक है। फिर c2 क्या होगा, c2 होगा +5, c2 क्या होगा +5 होगा, ठीक है। अब हमें a1 b1 c1 की वैल्यूज मिल गई और a2 b2 c2 की वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या करना है, d निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है, ठीक है। अभी d का फॉर्मूला क्या है, मैंने कल बताया था आपको, a1 a2 b1 b2
ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या है, डी का फॉर्मूला ए वन ए टू एंड बी वन बी टू, ओके ए वन ए टू एंड बी वन बी टू, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ए वन ए टू की वैल्यू क्या है 3 और ए टू की वैल्यू क्या है 4 और बी वन बी टू क्या है -4 एंड +3, ओके एज इट इज ऐसे पुट करना है, ये 3 एंड 4 एंड दिस -4 एंड 3, ओके। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 3 कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 3 3 × 3, ओके। सो नेगेटिव साइन एज इट इज, हमारा जो नेगेटिव साइन है वो कंपलसरी लेना पड़ता है, फिर बाद में ये -4 आएगा, -4 into this negative sign, -4 as it is into this -4, this +4, okay? Sorry. So यहाँ पे जो है 3 × 3 क्या होगा 9 होगा, then अभी देखो यहाँ पे ये negative sign और ये 4 का negative sign, तो ये minus minus क्या हो गए plus हो गए बच्चों, ठीक है। तो 4 × 4 का क्या होगा 16 होगा, 9 plus 16 is 25, तो जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू क्या मिली 25, ओके d की वैल्यू क्या मिली हमें 25, ओके अब हम क्या निकालेंगे dx निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे dx निकालेंगे, ठीक है। अभी dx का फॉर्मूला क्या है, dx का फॉर्मूला क्या है, d के फॉर्मूला में जहां पे a1 a2 है वहां पे हमें क्या रखना है, सिर्फ c1 c2 रखना है बच्चों, ठीक है ना। dx के फॉर्मूला में d का ही फॉर्मूला रहेगा, पर उसमें चेंज क्या होगा, सिर्फ a1 a2 की जगह पे c1 c2 रहेगा, क्या रहेगा c1 c2 की वैल्यूज रहेगी। तो a1 a2 कहां पे है, ये यहां पे, तो मैं लिख देता हूं यहां पे c1 और c2, ठीक है। और ये जो है b1 और b2 एज इट इज रहेंगे, b1 और b2 क्या रहेंगे एज इट इज, ओके। अभी यहां पे देखो बच्चों b1 और b2 ले लिया हमने, ठीक है, c1 और c2 और b1 और b2, तो c1 और c2 की वैल्यू क्या है, c1 क्या है 10, ठीक है, और c2 क्या है दैट इज 5, ओके। b1 क्या है -4 और b2 क्या है 3 है, b1 -4 है और b2 क्या है 3, ठीक है। अब यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 × 3, ओके यहां पे लेंगे 10 × 3 क्या होगा 10 × 3, ओके। सो माइनस नेगेटिव साइन एज इट इज और ये जो -4 का साइन एज इट इज लेना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करो इनटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 10 × 3 क्या होगा 30 होगा, ठीक है। फिर बाद में ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 × 5 = 20 आएगा, ठीक है। फिर ये 30 + 20 क्या होगा 50 होगा, ठीक है, 30 + 20 = 50। तो ये कौन सी वैल्यू मिल गई हमें dx, dx की वैल्यू मिल गई। अभी हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dy के इसमें क्या है, dy का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसमें जो d का फॉर्मूला है उसमें क्या करना है b1 b2 की जगह पे c1 c2 रखना है अभी, ठीक है ना। dx के फॉर्मूला में हमने क्या किया था, a1 a2 की जगह पे c1 c2 रखा था। अब क्या करना है, dy के फॉर्मूला में जो b1 b2 है उसकी जगह पे हमें c1 c2 रखना है यहां पे। तो ये a1 a2 as it is आएगा, a1 a2 as it is, और जो b1 b2 है उसकी जगह पे हमें क्या रखना है C1, C2 रखना है बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ओके। चल आगे बढ़ेंगे। अभी A1 क्या है, A1 A2 क्या है 3 एंड 4 है, A1 A2 क्या है 3 एंड
4 और C1 C2 क्या है 10 एंड 5 C1 C2 क्या है 10 एंड 5 ठीक है। अब इक्वल टू करेंगे सो यहां पे 3 into 5 एंड माइनस निगेटिव साइन 10 into 4 3 into 5 माइनस 10 into 4 तो ये क्या वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 5 into 3 इज 15 माइनस 10 into 4 इज 40 तो ये क्या मिलेगा बच्चों 15 माइनस 40 तो माइनस 40 क्या है बड़ा है तो 40 माइनस 15 क्या होगा 25 होगा। तो 25 को साइन कौन सी लगेगी निगेटिव की साइन लगेगी क्योंकि 40 क्या है यहां पे 40 बड़ा है और उसका साइन क्या है निगेटिव का साइन है तो यहां पे 25 को क्या साइन लगेगा माइनस का साइन लगेगा ठीक है। तो फिर हमें dy का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों माइनस 25 ठीक है। तो dx d भी मिल गया d इक्वल टू 25 मिला d इक्वल टू क्या मिला 25 dx मिला 50 और dy क्या मिला बच्चों माइनस 25 मिला ठीक है। अब हमें क्या करना है x और y की वैल्यू निकालनी है तो मैंने कल बताया था आपको पिछले लेक्चर में x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम dx अपॉन d करते हैं ठीक है ना। सो x इक्वल टू dx अपॉन d सो dx की वैल्यू क्या है 50 और d की वैल्यू क्या है बच्चों 25 ठीक है। अब 50 अपॉन 25 क्या होगा 2 मिलेगा 50 अपॉन 25 क्या मिलेगा बच्चों 2 मिलेगा ठीक है। और जो y है तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 2 मिल रही है ठीक है और y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों y इक्वल टू क्या रहेगा dy अपॉन d रहेगा ओके। सो dy की वैल्यू क्या है हमारे पास अब भी निकाली हमने dy की वैल्यू क्या है माइनस 25 है और d की वैल्यू क्या है 25 है तो ये क्या आएगी फिर माइनस वन आएगी 25 कैंसिल 25 और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे एज इट इज रहेगा मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई माइनस वन मिल गई। ओके सो x का ये जो फॉर्मूला है dx अपॉन d यहाँ पे हमने x निकाला और यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया y निकाल दिया। सो x का फॉर्मूला क्या है dx अपॉन d है और y का फॉर्मूला क्या है dy अपॉन d तो उसमें सिर्फ हमें क्या करना है वैल्यूज पुट करना है और हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है ठीक है ना। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका फिर हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन ठीक है। चलो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल ठीक है ना। तो सेकंड एग्जांपल में क्या देख रखा है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या देख रखी है 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों जो पहली इक्वेशन है वो हमारा जो फॉर्म है जो कि हमें चाहिए उस फॉर्म में है क्या इस फॉर्म में है क्या वो इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में है क्या बच्चों फर्स्ट इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहां पे जो ये माइनस फोर है ये कहां पे चाहिए हमें राइट हैंड साइड में चाहिए जो c है c की जगह पे जो रहता है c तो वो c क्या चाहिए हमें इक्वल टू के राइट हैंड साइड में चाहिए तो इसे क्या करना पड़ेगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में अगर देखें हम तो सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 6x है सिर्फ और यहां पे इक्वल टू साइन है देखो ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा ये जो माइनस फाइव वाई है वो लेफ्ट हैंड साइड को लेना पड़ेगा क्योंकि जो बी वाई होता है वो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड में होता है यहां पे देखो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है बी वाई तो बी वाई की जगह पे यहां पे क्या है फाइव वाई है तो फाइव वाई को हमें क्या करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को लेना पड़ेगा तो माइनस फाइव वाई है तो माइनस फाइव वाई का यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या होगा प्लस फाइव वाई होगा ठीक है ओके।
तो हम अब क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं कि फर्स्ट राइट, पहले तो ये इक्वेशन हमें यहां पे एज इट इज लिखनी पड़ेगी सॉल्यूशन में। चलो तो हम लिखते हैं इक्वेशंस 6x = 8 - 5y एज इट इज लिख दी हमने। फिर हमें क्या करना है, यहां पे लिखना है राइट इक्वेशंस इन फॉर्म ax प्लस by इक्वल टू c। राइट द इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, 4x प्लस 3y, और ये माइनस 4 है, हमें क्या करना है राइट हैंड साइड पे लेना है, क्योंकि c जो है वो क्या है राइट हैंड साइड में, तो माइनस 4 हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में जाके वो होगा प्लस 4 होगा। ठीक है, माइनस 4 क्या होगा प्लस 4 होगा। और जो सेकंड इक्वेशन है 6x, हाँ तो यहां पे जो है -5, तो -5 क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, क्योंकि जो by है क्या रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये होगा -5y का +5y। ठीक है बच्चों, और यहां पे जो 8 है वो एज इट इज यहां पे ही रहेगा, 8 या एज इट इज यहां पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो दोनों भी इक्वेशंस है, हमें जो फॉर्म चाहिए ax + by = c, तो उसमें ये कन्वर्ट हो गए। ठीक है बच्चों, अभी हमें क्या करना है कंपेयरिंग विथ, तो इससे कंपेयर करना है अभी x + by + c से, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस इक्वल टू c, x प्लस by इक्वल टू c। तो इससे कंपेयर करने के बाद यहां पे a1 क्या मिलेगा 4 मिलेगा, फिर b1, ठीक है ऐसा भी लिख सकते हो आप, a1 4 है तो a2 यहां पे लिखो, a2 इक्वल टू क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। ठीक है ना, a1 क्या मिला 4 मिल गया, a2 क्या मिल गया 6 मिल गया। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है +3 है, यहां पे पॉजिटिव साइन है इसलिए +3 है। ठीक है, और b2 क्या मिलेगा फिर +5 मिलेगा। ठीक है, c1 क्या है बच्चों 4 है, और c2 क्या है नीचे के इक्वेशन में 8 है। ठीक है, तो यहां पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यूज हमें मिल गई बच्चों। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग आउट x एंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो वो फॉर्मूलाज क्या है, एक d का फॉर्मूला है, एक dx का फॉर्मूला है, और एक dy का फॉर्मूला है। तो dx का फॉर्मूला क्या है, सो d का फॉर्मूला, पहले तो हमें d निकालना पड़ेगा, d का फॉर्मूला क्या है a1 a2 एंड b1 b2, a1 a2 एंड b1 b2। चलो पुट करेंगे a1 a2 की वैल्यूज, a1 a2 क्या है 4 एंड 6, a1 क्या है 4, a2 क्या है 6, सो यहां पे आएगा 4 और a2 की जगह पे आएगा 6। फिर b1 क्या है 3 है और b2 क्या है 5 है। ओके चलो, तो अभी हम यहां पे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 4 into 5 होगा, माइनस की साइन एज इट इज देना है आपको, सो 3 into 6। ठीक है, 4 into 5 - 3 into 6, तो 4 into 5 क्या होगा 20, 5 + 20 माइनस 6 into 3 = 18, सो 20 - 18 क्या होगा बच्चों 2 होगा, 20 - 18 = 2। तो हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, सो d की वैल्यू वी गॉट 2। ठीक है, अब क्या, अब कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें, dx की वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या है dx, सो dx हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहां पे डिटरमिनेंट में a1 और a2 की जगह पे, a1 और a2 की जगह पे हमें क्या रखना है c1 c2 रखना है, a1 a2 की जगह पे क्या रखना है c1 और c2 रखना है, और b1 b2 एज इट इज लेना है। ठीक है, b1 b2 एज इट इज लेना है,
ठीक है बच्चा। अब यहां पे C1 C2 क्या है, C1 C2 4 एंड 8 है, C1 C2 4 एंड 8 है बच्चों, ठीक है। और B1 B2 क्या है, B1 B2 3 एंड 5 है, 3 एंड 5। अब आगे बढ़ेंगे, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 8, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 4 इंटू 5 20 माइनस 8 इंटू 3 24, तो क्या मिल रहे हो वैल्यू, 24 माइनस 20 4, और बड़े नंबर का साइन दैट इज निगेटिव साइन, सो माइनस 4 मिल गया। डीएक्स की वैल्यू क्या मिली, माइनस 4, ठीक है। अब dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो dy के लिए क्या है फॉर्मूला, dy के लिए क्या है फॉर्मूला बच्चों, यहां पे d के फॉर्मूला में b1 और b2 की जगह पे c1 और c2 रखना है, सो a1 और a2 एज इट इज रहेगा, d के फॉर्मूला में a1 और a2 एज इट इज रहेगा, और b1 और b2 की जगह पे हमें क्या रखना है, c1 और c2 रखना है, ठीक है। अब A1 और A2 क्या है बच्चों, 4 एंड 6, A1 और A2 क्या है 4 एंड 6, और C1 C2 क्या है 4 एंड 8 है, A1 A2 4 एंड 6 है और C1 C2 क्या है 4 एंड 8 है, ठीक है। तो यहां पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 8 माइनस की साइन, 4 इंटू 6, ठीक है। अब यहां पे 8 इंटू 4 क्या होगा, 32, 6 इंटू 4 24, ओके। तो ये क्या मिलेगी वैल्यू, 32 माइनस 24 इज 8, 32 माइनस 24 इज 8, तो dy की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई, dy की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है dx अपॉन d, तो dx क्या मिला हमें, माइनस 4, dx क्या मिल गया, माइनस 4, तो यहां पे रख दिया, और d की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये यहां पे आएगी, ठीक है। माइनस 4 अपॉन 2, 2 टू जा 4, और निगेटिव साइन एज इट इज, ओके। तो x की वैल्यू क्या मिली, माइनस 2, ठीक है। अब y की वैल्यू, y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, dy अपॉन d से, ओके। dy की वैल्यू क्या है, 8, d की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। फिर ये 8 अपॉन 2 क्या होगा, 2 4 जा 8, सो d की y की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज 4, ठीक है। y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, ठीक है। अभी हमें x की वैल्यू मिल गई -2 और y की वैल्यू मिल गई 4, ठीक है। ऐसे इस तरह से हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमने पहले क्या किया था, जो हमारी इक्वेशंस थी, दो इक्वेशंस, उन्हें क्या किया था, ये ax plus by इक्वल टू c के फॉर्म में लिख लिया, मतलब यहाँ पे जो माइनस 4 है उसे हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया c की जगह पे, मतलब ये c कांस्टेंट है इसलिए हमें राइट हैंड साइड में मूव कर दिया। और सेकंड इक्वेशन में जो 6x है और जो माइनस 5 है, राइट हैंड साइड में माइनस 5 है, 5 है, y है, तो माइनस 5y को हमने क्या किया, प्लस 5y कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और जो 8 है वो राइट हैंड साइड में एज इट इज हमने रख दिया, क्योंकि 8 हमें कहां पे चाहिए, 8 कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमें कहां पे चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब क्वेश्चन 3 में का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको सॉल्व करना है बच्चों, सो वो आपका टास्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x plus 2y equal to minus 1 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x minus 3y equal to 12, तो वो आपको टास्क एज अ टास्क मतलब होमवर्क करना है, ठीक है बच्चों। अब और नेक्स्ट वीडियो में हम 4th, 5th एंड 6th एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। चलो।